हेलो, वेलकम टू असेंबली लैंग्वेज ट्यूटोरियल वीडियो नंबर 1। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्चुअली आर्म वी सेवन कॉर्टेक्स M3 डिवाइसेस के प्रोसेसर के बारे में। हम शुरू करेंगे अपनी डिस्कशन एम्बेडेड सिस्टम से, माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर और रजिस्टर सेट से होते हुए हम आज का लेक्चर एंड करेंगे प्रोसेसर ऑपरेटिंग मोड्स पर। सो लेट्स स्टार्ट। इमेडिट सिस्टम की एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि लेट सपोज आप टाइमिंग कैलकुलेशन करना चाहते हैं किसी चीज़ की, रियल वर्ल्ड की। तो आप इसके लिए लेट सपोज स्टॉपवॉच की फंक्शनैलिटी किसी सिस्टम से हासिल करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए एक लैपटॉप नहीं ख़रीदेंगे। आप ऐसे करेंगे कि आप एक डेडिकेटेड स्टॉपवॉच ही ख़रीदेंगे जो कि सिर्फ स्टॉपवॉच का काम करेगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते, आप पूरी फंक्शनैलिटी हासिल करना चाहते हैं अपने काम की। तो आप एक्चुअली वही सिस्टम ख़रीदेंगे जो कि आपकी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी पूरी करता है। तो स्टॉप वॉच इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। इसके अलावा टेलीफोन सिस्टम जो कि सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह कॉल करने में मदद देता है, ये भी एम्बेडेड सिस्टम हो सकता है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एम्बेडेड सिस्टम्स हो सकते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें आप एक माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं और उससे प्रोग्राम्ड काम लेते हैं, एक प्रोग्राम फंक्शनैलिटी उसमें की जो है सलाहियत पैदा करते हैं, तो ये भी एक एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल है। सैटेलाइट्स आप देखते हैं, उनके अंदर कंप्यूटर्स लगे होते हैं, उनमें माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें तो नहीं ना होंगी। एक्चुअली उनके अंदर मखसूस फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने वाले सिस्टम्स होंगे जो कि एम्बेडेड सिस्टम्स कहलाएंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स डिस्कशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली एक एम्बेडेड सिस्टम की ही तस्वीर है। इसमें ये ब्लूइश ब्लॉक एक्चुअली एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसके अंदर एक मेमोरी यूनिट है, और ये वाइट ब्लॉक एक्चुअली एक प्रोसेसर है। प्रोसेसर के अंदर जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कंट्रोल यूनिट होता है और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट स्लेव के तौर पर काम करता है और सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। इसको ये इंस्ट्रक्शंस इसको मशीन लैंग्वेज में यानी वन जीरोज़ की फॉर्म में दी जाती हैं, और इसकी ज़िम्मेदार होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक्चुअली सारी इंस्ट्रक्शंस रिसीव करता है मेमोरी यूनिट से, और मेमोरी यूनिट को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं आपके कोड से जो आपने उसके अंदर बर्न किया होता है या अपलोड किया होता है कोड माइक्रो कंट्रोलर में। इनपुट डिवाइसेस एक्चुअली पिन्स होती हैं जो कि जिनसे आप इंटरफेसिंग कर सकते हैं किसी माइक की, माउस की, कीबोर्ड की या किसी कीपैड की, मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। माइक की भी इनपुट हो सकती है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इनपुट डिवाइसेस के लिए। आउटपुट डिवाइस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की प्रोसेस्ड आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, या फिर उससे कोई और काम लिया जा सकता है। लेट्स सपोज कोई LEDs ब्लिंक करवानी है, या कोई मॉनिटर स्क्रीन चलानी है, या स्पीकर चलाने हैं, या प्रिंटर चलाना है, तो वो आउटपुट डिवाइसेस में आएंगे। डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली आपने लास्ट तस्वीर में देखा कि मेमोरी यूनिट आपके प्रोसेसर में मौजूद होता है। अब मैं मेमोरी यूनिट पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। एक होती है इंस्ट्रक्शन मेमोरी। इंस्ट्रक्शन मेमोरी में एक्चुअली वो सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं जो कि आप अपने कोड में लिखते हैं, और एक होती है डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी के अंदर वो सारे वेरिएबल्स स्टोर होते हैं जिनको आप वेरिएबल्स की वैल्यूज स्टोर होती हैं जो कि आप अपने कोड में यूज़ कर रहे हैं। डेटा मेमोरी वेरिएबल हो सकती है, इसके अंदर चेंजेस हो सकती हैं, क्योंकि आप चाहेंगे यकीनन कि कोई डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं आप, तो डेटा की वैल्यूज़ चेंज भी करना चाहेंगे आप। लेट्स सपोज आप दो वेरिएबल्स की इनपुट्स लेते हैं और फिर उनको प्रोसेस करके उसका GCD फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो आपका जो आउटपुट वेरिएबल होगा आप यकीनन चाहेंगे कि उसमें वेरिएशन आए, जो भी आप उसमें स्टोर कराएं वो स्टोर हो। तो डेटा मेमोरी में इस तरह से वेरिएशन रिक्वायर्ड होती है, इसलिए असेंबली में डेटा मेमोरी बाय डिफ़ॉल्ट रीड राइट होती है, यानी उसके अंदर रीड भी किया जा सकता है और इसे राइट भी किया जा सकता है। जबकि इंस्ट्रक्शन मेमोरी जिसे आप कोड मेमोरी कहते हैं असेंबली में, वो बाय डिफ़ॉल्ट रीड ऑनली होती है, और अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आपका असेंबलर एरर देता है। बाकी ALU कंट्रोल यूनिट और IO डिवाइसेस पिछली डायग्राम जैसे ही हैं, काम करते हैं। बस मैट्रिक्स पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। एक्चुअली आपका जो डेटा ट्रांसफ़र होता है एक प्रोसेसर से मेमोरी, या मेमोरी से प्रोसेसर, या फिर IO डिवाइसेस से मेमोरी, या IO डिवाइसेस से प्रोसेसर, ये सारा बसेस के थ्रू होता है, और इस फ्लो को कंट्रोल करने वाली चीज़ कहलाती है कंट्रोल बस। ये प्रोसेसर या मेमोरी डिसाइड करती है कि
एक वक्त में किस चीज़ को इनेबल करना है, किस चीज़ को डिसेबल करना है, और ताकि उस चीज़ को जिसको इनेबल किया है उसे डेटा रिसीव किया जा सके या उसको डेटा सेंड किया जा सके। फिर बात आती है एड्रेस बस की। एड्रेस बस का एड्रेस एड्रेस बस पर आपका प्रोसेसर एड्रेस लोड करता है, जो कि मेमोरी या फिर आईओ डिवाइसेस में से किसी एक डिवाइस को एड्रेस करता है, और साइमल्टेनियसली कंट्रोल बस पर एक कंट्रोल सिग्नल भेजा जाता है कि आपने रीड करना है उस डिवाइस को या राइट करना है। तो एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस लोड होता है, कंट्रोल बस के थ्रू इनेबल सिग्नल लोड होता है, और डेटा बस के थ्रू वो डेटा ट्रांसमिट होता है जो आप आउटपुट करना चाह रहे हैं या फिर मेमोरी में स्टोर करना चाह रहे हैं या इनपुट लेना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हमारी बात हो गई एम्बेडेड सिस्टम्स, माइक्रो कंट्रोलर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स पर। अब आते हैं माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर पर। माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर एक्चुअली बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि जो आर्म V7 कॉर्टेक्स M3 हम यूज़ करने जा रहे हैं, इसको हम एक इनपुट के तौर पर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं दे सकते, बल्कि अपने फंक्शंस को जो भी टास्क हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके वो उन इंस्ट्रक्शंस में उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं जो कि आपका प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है। सो फर्स्ट आर्किटेक्चर की टाइप है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। एक्चुअली इसमें होता ये कि लेट्स सपोज आपने स्क्वायर रूट का फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में, आप ये करेंगे कि आप स्क्वायर रूट की लॉजिक, स्क्वायर रूट का जो आंसर होता है, जिस तरीके से एक नंबर को ले दो नंबर्स को ले एक नंबर को लेकर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, वो सारा आप गेट लेवल पर इंप्लीमेंट करके या ट्रांजिस्टर लेवल पर इंप्लीमेंट करके आप अपनी आईसी के अंदर उसे फैब्रिकेट कर देते हैं, अपने प्रोसेसर के अंदर फैब्रिकेट कर देते हैं, जिससे ये होता है कि जब आप इनपुट देते हैं तो डायरेक्टली वो अपनी फैब्रिकेशन, अपनी जो उसका आर्किटेक्चर है उसकी बेसिस पर आपको स्क्वायर रूट का रिजल्ट शो करवा देता है। इसमें आपको सॉफ्टवेयर में बहुत कम काम करना पड़ता है, सारी इंप्लीमेंटेशन हार्डवेयर में होती है। दूसरी माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर की टाइप है रिस्क रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर को रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है कि इसमें हार्डवेयर की इंप्लीमेंटेशन बहुत रिड्यूस्ड लेवल पर होती है। होता यह है कि एक्चुअली लेट सपोज फिर आप स्क्वेयर रूट ही फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि स्क्वेयर रूट की लॉजिक सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करेंगे और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस की टर्म्स में उसे इंप्लीमेंट कर देंगे सॉफ्टवेयर में, और आप अपने प्रोसेसर को जो डिज़ाइन करेंगे वो एक्चुअली इन चार पांच इंस्ट्रक्शंस के लिए डिज़ाइन करेंगे, राइट। इस सूरत में आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन हार्डवेयर बहुत सिंप्लीफाइड होगा। तो आपका जो आर्म V7 कॉर्टेक्स एम प्रोसेसर है वो एक्चुअली रिस्क आर्किटेक्चर पर मुश्तमिल है। सो लेट्स मूव टू रजिस्टर सेट। रजिस्टर सेट की इंफॉर्मेशन एक्चुअली प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि किस काम के लिए आप किस किस्म का रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। R0 से एक्चुअली आपका जो आर्म V7 कॉर्टेक्स एम प्रोसेसर है उसके अंदर 16 रजिस्टर्स का एक सेट होता है, जिनमें से कुछ जनरल पर्पज़ होते हैं, कुछ स्पेशल पर्पज़ होते हैं। जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स की तादाद 13 है, जिनमें से R0 से R7 तक के रजिस्टर्स को जनरल पर्पज़ लो रजिस्टर्स कहते हैं। इनको जनरल पर्पज़ लो रजिस्टर कहने का मकसद ये है कि ये जो आपकी 16 बिट इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एक्चुअली सिर्फ इन्हीं को एक्सेस कर सकती हैं, हाई रजिस्टर्स को जो कि R8 से R12 तक हैं, जनरल पर्पज़ हाई रजिस्टर्स, इनको आपकी 16 बिट इंस्ट्रक्शंस एक्सेस नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है कि जो 16 बिट इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक्चुअली उनमें रजिस्टर का एड्रेस स्टोर करने के लिए 3 बिट्स मौजूद होती हैं, और हम सबको पता है कि 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स को आप 3 बिट्स में इनकोड कर सकते हैं, यानी 0 0 0 से 1 1 1, ये 3 बिट्स हैं। ऑल डाउन 0 0 0 से ऑल डाउन टूवर्ड्स 7, जो कि 1 1 1 होता है, आप 7 एड्रेसेस को एकोमोडेट कर सकते हैं। तो इसलिए 16 बिट इंस्ट्रक्शन के अंदर 3 बिट्स रिजर्व होती हैं एड्रेस के लिए, और जो 32 बिट इंस्ट्रक्शन होती हैं उनमें एक्चुअली 4 बिट्स रिजर्व होती हैं रजिस्टर्स के एड्रेस के लिए। तो इसलिए आप 4 बिट्स के अंदर R0 से R7 का एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं और R8 से R12 का एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं, इसलिए 32 बिट इंस्ट्रक्शंस इन दोनों टाइप्स के रजिस्टर्स को एक्सेस कर सकती हैं।
लेकिन 16 बिट इंस्ट्रक्शन सिर्फ R0 से R7 तक की इंस्ट्रक्शंस को अकोमोडेट कर सकती हैं। फिर R13 पे आ जाते हैं, MSP और PSP। एक्चुअली ये स्टैक पॉइंटर है, R13 स्टैक पॉइंटर है, जो कि आपके सिस्टम स्टैक जो जो MSP है और प्रोसेस स्टैक जो कि PSP है, उनका सॉरी उनका रिकॉर्ड रखती है कि उनके उनके ऊपर पुश एंड पॉप किस पॉइंट से होना है, आपका स्टैक आपके स्टैक का स्टेटस क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन R13 में स्टोर होती है। फिर आ जाते हैं R14 पर, जो कि लिंक रजिस्टर है, बल्कि इससे पहले आ जाते हैं प्रोग्राम काउंटर पर। प्रोग्राम काउंटर एक्चुअली आपकी तमाम इंस्ट्रक्शंस का ट्रैक रखता है कि आप इस वक्त अपने कोड मेमोरी में किस जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कुछ ख़ास स्पेस लेती हैं कोड के अंदर, और उनका कोई कोई ख़ास एड्रेस होता है आपकी मेमोरी में, तो आप इस चीज़ का ट्रैक रखता है प्रोग्राम काउंटर, और हर इंस्ट्रक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग वो एक एड्रेस जनरेट करता है जो कि कोड मेमोरी में उसका यूनिक एड्रेस होता है। फिर आते हैं लिंक रजिस्टर पर। लिंक रजिस्टर एक्चुअली जब भी आप किसी सब रूटीन को कॉल करते हैं, एक्चुअली सब रूटीन फंक्शन को कहते हैं असेंबली में। फंक्शन से शायद आप वाकिफ़ हों कि फंक्शन C++ या C/Java में वो फंक्शंस क्या चीज़ होती है, उसी तरह की चीज़ सब रूटीन्स होती हैं असेंबली में। तो लिंक रजिस्टर का काम होता है एक्चुअली फंक्शन की रिटर्न एड्रेस को स्टोर करना, और ये एड्रेस वो हासिल करता है प्रोग्राम काउंटर से, क्योंकि आपको पता है प्रोग्राम काउंटर जो है वो हर इंस्ट्रक्शन का ट्रैक रखता है। तो जब भी आप एक सब रूटीन को कॉल करते हैं अपने मेन फंक्शन में या किसी और सब रूटीन में, तो आपका लिंक रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर का जो हालिया एड्रेस होता है उसे अपने अंदर कॉपी कर लेता है, और इस तरह आपका जब फंक्शन से रिटर्न करते हैं आप, तो उस एग्जैक्टली उसी जगह पर वापस आ सकते हैं जिस जगह पर आपने छोड़ा था अपना मेन या अपना पेरेंट सब रूटीन। ये हमारी बात मुकम्मल हो गई रजिस्टर सेट पर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू प्रोसेसर ऑपरेटिंग मोड्स। प्रोसेसर ऑपरेटिंग मोड्स एक्चुअली प्रिविलेज हो सकता है या अनप्रिविलेज हो सकता है, यानी आप या तो यूज़र लेवल पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर पर, या फिर आप डेवलपर लेवल पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। डेवलपर लेवल पर प्रोग्रामिंग के लिए जो आप स्टैक यूज़ करेंगे वो होगी MSP, और आपका लेवल कहलाएगा प्रिविलेज लेवल। इसमें आप सिस्टम की फाइल्स, सिस्टम मेमोरी मैप और बहुत सारी चीज़ों तक आपको एक्सेस मिल जाती है। एक्चुअली आप अपने पूरे माइक्रो कंट्रोलर का बिहेवियर इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ सेव होगी। प्रिविलेज लेवल में आपको यहाँ तक एक्सेस मिल जाती है, जबकि अनप्रिविलेज लेवल में आप काम करते हैं PSP में, जो कि प्रोसेस स्टैक पॉइंटर है। आपकी स्टैक एक्चुअली प्रोसेस स्टैक पॉइंटर होती है, और इसमें आपको सिर्फ एप्लीकेशंस को रन करने की इजाज़त होती है, आपको एक्चुअली सिस्टम फाइल्स तक एक्सेस नहीं मिल रही होती। तो इनकी डिस्कशन फर्दर हम करेंगे मजीद लेक्चर्स में, जिसमें हमारी स्टैक की डिस्कशन आएगी, तो इट वुड बी फर्दर क्लैरिफाइड एट दैट पॉइंट। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस की सिंटेक्स के हवाले से, और फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम फॉर्मली IDE पर काम करना भी शुरू करेंगे। तो लेट्स एंड आवर लेक्चर हियर। थैंक यू वेरी मच।